हेलो दोस्तों, एनपीएस वन ऑफ द बेस्ट रिटायरमेंट स्कीम्स है, लेकिन जब इसके विड्रॉल रूल्स की बात आती है तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे विड्रॉल रूल्स की और बहुत सिंपल लैंग्वेज में हर रूल को समझेंगे। उसके बाद हम स्क्रीन पर चलेंगे और एनपीएस कैलकुलेटर को देखेंगे। उसमें हम अपने लमसम अमाउंट और मेच्योरिटी पे आने वाले पेंशन अमाउंट को कैलकुलेट करते हुए देखेंगे और उसको कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है उसकी टिप्स को समझेंगे। और फिर उसके बाद हम वेरियस एन्युटी प्रोवाइडर्स को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा एन्युटी प्रोवाइडर हमें कितनी एन्युटी यानी पेंशन दे रहा है और कौन सा हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। इससे पहले अगर आपने मेरी पिछली दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो दो वीडियोस आप जरूर देखें। उसमें मैंने एनपीएस के रूल्स को बहुत इनडेप्थ समझाया है और एनपीएस के जो टैक्स बेनिफिट्स हैं जो इसको बहुत ल्यूक्रेटिव बनाता है उसमें इनडेप्थ बात करी है, विद एग्जांपल्स बात करी है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जिट बिफोर द एज ऑफ 60 इयर्स। आपको 10 इयर्स इन्वेस्टेड होना जरूरी है। जब आप एग्जिट मारेंगे तो उस समय आप मैक्सिमम 20% पैसा ही लमसम में ले सकते हैं, बैलेंस आपको एन्युटी या पेंशन की फॉर्म में ही लेना पड़ेगा। हाँ, ये है कि ये 20% लिमिट मैक्सिमम लिमिट है, आप चाहो तो एक रुपया भी लमसम में मत लो, सारा का सारा अमाउंट पेंशन की फॉर्म में ले लीजिए। और अगर आपका कॉर्पस 1 लाख तक का है, अप टू 1 लाख रुपीज है, तो आप सारा का सारा अमाउंट लमसम की फॉर्म में ले सकते हो, एन्युटी की डायरेक्शन में जाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा केस आता है एग्जिट एट द एज ऑफ 60 इयर्स। इस केस में आप 60% पैसा अपना लमसम की फॉर्म में ले सकते हैं। अगेन, ये लिमिट जो 60% है ये मैक्सिमम लिमिट है, आप चाहे तो एक पैसा भी लमसम में मत लीजिए, बैलेंस का पैसा आप एन्युटी या पेंशन की फॉर्म में लेंगे। अगर आपका टोटल कॉर्पस एट द एज ऑफ 60 से 2 लाख रुपए तक का है तो आप सारा का सारा अमाउंट लमसम में ले सकते हैं, पेंशन की डायरेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। एट द एज ऑफ 60 इयर्स आपके पास 3-4 ऑप्शंस और रहते हैं, तो अगर आप चाहें तो इन चारों ऑप्शंस को भी अवेल कर सकते हैं। मैं इन पॉइंट्स में और इनडेप्थ नहीं जाना चाहता, नहीं तो आप बहुत सारे डेटा से बॉम्बार्ड हो जाएंगे। अगर आप इन पॉइंट्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करें और एक बार इनको गो थ्रू कर लें। जब आप एग्जिट करेंगे तो आपको एक एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर चूज करना पड़ेगा। आपके पास ये 13 ऑप्शंस करंटली हैं और ये एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर और कोई नहीं बल्कि इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। अगर आप इनको थोड़ा सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें और एक बार रीड कर लें। मार्केट में करंटली 4 तरह के एन्युटी प्लान्स अवेलेबल रहते हैं। सबसे कॉमन रहता है लाइफ एन्युटी विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। इसमें जो एन्युटेंट होता है उसको एक सर्टेन पेंशन उसकी लाइफ के एंड तक मिलती जाती है और जैसे ही उसकी डेथ होती है वो पेंशन बंद हो जाती है। सेकंड ऑप्शन रहता है लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। इसमें एन्युटेंट को एक पेंशन फिक्स्ड अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ उसकी डेथ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो डेजिग्नेटेड नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट बंदा कोई भी होगा समझेगा कि यार विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस तो बहुत फायदेमंद है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जो विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस यानी विद आरओपी होते हैं उनके पेंशन अमाउंट्स जनरली विदाउट आरओपी के केसेस में कम होते हैं। थर्ड ऑप्शन होता है जॉइंट एन्युटी प्लान का। इसमें एन्युटेंट को एक फिक्स पेंशन मिलता है और उसके बाद उसके स्पाउस को वो फिक्स पेंशन दिया जाता है। ये ऑप्शन भी विद आरओपी और विदाउट आरओपी मिलता है, और अगर वो विद आरओपी है यानी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस है तो जो डेजिग्नेटेड नॉमिनी है उसको प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया जाता है आफ्टर डेथ ऑफ एन्युटेंट एंड स्पाउस। इसका एक एक्सटेंशन रहता है फैमिली प्लान के रूप में। इसमें जो एन्युटेंट है उसके डेथ तक पेंशन मिलेगा, उसके बाद उसके स्पाउस के डेथ तक पेंशन मिलेगा, और फिर उनके जो डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं यानी डिपेंडेंट मदर और डिपेंडेंट फादर हैं उनके डेथ तक भी पेंशन मिलेगा। जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में जितने लोगों को मेंशन किया गया है उन सब की डेथ नहीं हो जाती तब तक एक फिक्स पेंशन जाता रहेगा, और जब उनकी डेथ हो जाएगी तो विद आरओपी के केस में एक प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो डेजिग्नेटेड नॉमिनी को दे दिया जाएगा। आजकल एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं, तो जब आप अपनी एन्युटी चूज करें उस समय एक बार एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट जाके चेक कर लें और जो रीसेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनको चेक करें या एक अच्छे एजेंट से बात करें। अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और एनपीएस के कैलकुलेटर को देखते हैं, जिसमें हम लमसम का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और एन्युटी का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि उसको मैक्सिमाइज कैसे किया जा सकता है। ये हम आ गए गूगल पे, हमने यहाँ पे सर्च करा एनपीएस कैलकुलेटर, फर्स्ट लिंक ही हमारा nps.org.in से आ गया। इसमें डिटेल्स फिल इन कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी बर्थ डेट है 24 दिसंबर 1994 और मैं लगभग 10,000 रुपये पर मंथ की कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ हर साल। मिनिमम लेते हैं कि अप टू द एज ऑफ 60 इयर्स तो मैं कंट्रीब्यूट करूँगा ही करूँगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% ठीक है, क्योंकि कुछ पैसा इक्विटी में लगता है, जब पैसा इक्विटी में लगता है तो 10% जैसा रिटर्न अचीवेबल है।
उसके बाद एनुटी देखिए मिनिमम 40% तो आपको लेना ही पड़ेगा एनुटी में, क्योंकि एट द एज ऑफ 60 ईयर्स भी आप मैक्सिमम 60% लमसम में ले सकते हैं। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि मैं 50% लमसम लेना चाहूँगा और 50% एनुटी में लेना चाहूँगा। उसके बाद एनुटी रेट 6% मार्केट स्टैंडर्ड है, इसी को हम ऐसे रहने देंगे। तो आप देखो सिर्फ 10,000 रुपये की कॉन्ट्रीब्यूशन से मेरा टोटल जो कॉर्पस है वो 3 करोड़ से भी ऊपर का बन जाता है, 3,11,00,000 रुपये का। यानी जब मैं 60 साल का होऊंगा तो 1.5 करोड़ रुपया तो मेरे को सिर्फ लमसम में मिलेगा, और उसके बाद 77,000 रुपये की पेंशन मिलेगी हर मंथ अप टिल माई डेथ, डिपेंडिंग ऑन दी प्लान जो मैंने लिया है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अगर हम खेलते हैं तो कैसे खेल सकते हैं, इसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। आप देखो अगर मैं सिर्फ अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो अज्यूम करते हैं कि अभी मैं 27 ईयर्स के हिसाब से कर रहा हूँ, 27 ईयर्स के एज से स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर मैं यही चीज़ बाय द एज ऑफ 20 स्टार्ट कर देता, तो आप देखो मेरा अमाउंट सीधे 6,37,00,000 हो गया, मोर देन डबल। इन केस अगर मैं, क्योंकि इक्विटी में हूँ, यंग हूँ, थोड़ा सा एग्रेसिव खेल सकता हूँ, तो एग्रेसिव खेलने के टाइम अगर मैं थोड़ा सा अपने रिटर्न्स को इम्प्रूव कर सकूँ 12%, जो कि अचीवेबल है इक्विटी मार्केट्स में, अचीवेबल है, एक कंपोनेंट इक्विटी का रहता है तो पॉसिबल बिल्कुल है, तो मेरा जो कॉर्पस है वो सीधे 11 करोड़ से भी ऊपर चला गया, यानी मोर देन डबल अगेन। इन केस अगर मैं सोचता हूँ कि मैं और साल भी इन्वेस्ट करूँगा, तो अज्यूम करते हैं कि मैं 75 ईयर्स ऑफ एज तक इन्वेस्ट करता जाता हूँ, तो यही मेरा कॉर्पस 71 करोड़, यानी 71 करोड़, मोर देन 6 टाइम्स ऊपर चला गया है, और ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट है जो आखिरी के 15 साल हैं वो हमें मैक्सिमम रिटर्न देते हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें और एनुटी प्लान्स को देख लेते हैं। हम यहाँ पे गए स्टेक होल्डर्स में, एनुटी सर्विस प्रोवाइडर्स में, एनुटी प्रोडक्शन रेट्स में। यहाँ पे हम चेक करेंगे बेसिकली कि क्या क्या वेरियस एनुटी सर्विस प्रोवाइडर्स हमें क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं और कितना कितना प्लान्स दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर सब्सक्राइबर हूँ मैं, अज्यूम करता हूँ कि मेरा डेट ऑफ बर्थ इस हिसाब से है कि 60 ईयर्स की मेरी एज हो गई है, मेल हूँ, मैरिड हूँ, जो मेरी स्पाउस है उसकी भी एज मैं 60 ईयर्स के हिसाब से ही अज्यूम कर लेता हूँ। जे एंड के का रेजिडेंट नहीं हूँ। एनुटी मैं समझता हूँ कि ये वो अमाउंट है जो हम एनुटी प्लान जब ले रहे होंगे तो कितना पैसा डालेंगे, मैं अज्यूम करता हूँ कि 2 करोड़ रुपये डाल के मैं अपना एनुटी प्लान स्टार्ट कर रहा हूँ। एनुटी की फ्रीक्वेंसी मंथली रखूँगा, और उसके बाद ये कैप्चा हो गया। तो हम ये प्लान्स देखेंगे। करंटली हमारे पास विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस और विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, यानी विद आरओपी और विदाउट आरओपी के काफ़ी प्लान्स खुल गए हैं, और इसमें काफ़ी सारे इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं, काफ़ी सारे एनुटी सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप देखेंगे मोस्टली जो विद आरओपी है उसका रिटर्न रेट एज कम्पेयर टू विदाउट आरओपी हमेशा कम रहता है। एनुटी हमेशा ज़्यादा आती है विदाउट आरओपी की, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एट द एंड ऑफ द टर्म कोई पैसा नहीं देना है इंश्योरेंस कंपनी को आपको या आपके नॉमिनी को। और यहाँ पे आप सभी प्लान्स को एक बार कंपेयर कर सकते हैं, जो बेटर लगे आप उसके साथ जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में एनपीएस से रिलेटेड आपको बहुत प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये दोस्त हर वीक आपके पास आए विद लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशनल वीडियो, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एनपीएस के कुछ ऐसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की जिनका आंसर मिलना काफी मुश्किल रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन।